भाई एक दिक्कत हो गया, मैं क्या सोचा ना कि कुछ वेज होगा तो मैं वीडियो वगैरह भी बना लूंगा, लेकिन ये स्टॉल में ना नॉन वेज है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग रॉयल मुरादाबादी चिकन बिरयानी, तो मैं यहाँ का तो वीडियो बना ही नहीं सकता भाई, लेकिन स्टॉल काफी बेस्ट है। भैया बता रहे थे लगभग सेट ये रहा, ये देखिए आप लोग काफी बेस्ट लग रहा है, ब्लैक वाले को और एक चंडा ले लेते हैं, निकलते हैं अब। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग। और दोस्तों फिलहाल मैं हूँ अभी अंबिकापुर में, तो फिलहाल में बड़े मामा के यहाँ रुका हुआ, सो गया था भाई रात को, और फिर तक मैं रुका हुआ था, मतलब मैं बोला जा रहा हूँ लेकिन गया नहीं, मैं तो थोड़ी देर तक और रुका हुआ रहा, और लगभग ना मैं 3:30-4 बजे के आसपास सोया, उसको फिर अभी क्या लगभग 7:30 के आसपास हो रहा था टाइमिंग, जब उसके बाद फ्रेश हो गया, हुआ ब्रश वगैरह किया, ब्रश ने मुखारी किया भाई, नाश्ता वगैरह आया है, मामा लेके आए हैं, चलिए थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं हम लोग, सो रहा है उधर। अरे मम्मी नाश्ता कर रही है, किसका मम्मी नाश्ता कर रहा है, पार्टी सुबह सुबह, क्या क्या चीज़ है, प्याजी आया है और जलेबी, और भाई ये आलू चाप है, प्याजी है और जलेबी, चलो भाई खा लेते हैं, आज का नाश्ता हो गया। हाँ मामा के यहाँ आऊँ ना भाई, तो कुछ काम है नहीं, बस खाना है, रेस्ट करना है, खाना है और रेस्ट करना है, ठीक है। नाश्ता कर लिया, 2-3 घंटा हो चुका है, ठीक है, अभी 11:30 बज रहा है, और मामी रोटी बनाई है, तो मैं बोला कि भाई इतनी बार खाना खाऊंगा तो नहीं, अभी 2-3 रोटी खा लीजिए, फिर खाना 2 बजे आराम से खा लीजिए, और शाम को यहाँ पास 5-6 बज जाएगा, उसके बाद यहाँ से रिटर्न निकलूंगा मैं घर के लिए, अभी यही रहूंगा, थोड़ा मोड़ा घूमूंगा, थोड़ा मोड़ा रेस्ट करूंगा, वीडियो वगैरह एडिट नहीं किया हूँ वो एडिट कर लूंगा। तो भाई रोटी है, दाल है और आम है, परवल का सब्जी, अचार मामा बैठ रहे इधर, अचार और प्याज ला दो। तो गाइस अभी 3 बज रहा है और नहा धो के फाइनली मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, तो जा रहा हूँ थोड़ा अंबिकापुर, थोड़ा हल्का फुल्का और घूम फिर लेता हूँ भाई अभी, और मम्मी का कहना है ना कि कच्चा मैंगो यहाँ देख लेना, अगर कच्चा मैंगो मिलेगा ना अचार के लिए तो वो ले भी लेना और कटवा भी लेना, तो यहाँ कहना मैंगो भी बेचते हैं, मैंगो कटिंग करके बेचते हैं, और सूरजपुर से काफ़ी कम रेट में भी है, तो थोड़ा सा अंबिकापुर जाना, तो अंबिकापुर घर लेता हूँ, घूम फिर लेता हूँ, और अभी मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा था, ज़्यादा वैसे है नहीं, तो लगभग 5 बजे के आसपास यहाँ से निकलूँगा, 5:30-6 बजे तक हम घर पहुँच ही जाएंगे, तो निकलता हूँ यहाँ से और खाना पीना खा लेता हूँ, जस्ट अभी तुरंत नहाया हूँ, काफ़ी देर से आराम कर रहा था तो आराम ही कर रहा था, और मम्मी इधर सामान वगैरह देखिए, मम्मी अपना पोटली उटली बना ली, पूरा सामान पैकिंग, और चीपू अभी सो के उठा, पता है ये लड़का पूरी रात बिल्कुल भी नहीं जागा, लेकिन ये पूरा दिन भरे सोया है, क्यों चीकू तू ऐसा क्यों किया, क्यों किया तू चीकू ऐसा बता, तेरे को थोकड़ी कुड़ी मिली कि नहीं रात को यार, हाँ तो अगले साल तेरा शादी फाइनल ना, हाँ एक बार बोल दे चीकू यार, कुछ तो बोल दे यार, झोला ए माँ ए दे छोटी झोला दे दे, किसमें आएगा तो सामान कम पड़ रहा है, पकड़, अरे आमा 10 रुपये का झोला तो अभी करी ले लो मैं, और फिलहाल मैं निकल गया हूँ गुदरी बाजार की तरफ, वहाँ जा रहा हूँ मैंगो वगैरह देखने के लिए, तो मम्मी बोली ना कच्चा मैंगो यहीं से देख लेते हैं, अच्छा मिल जाएगा, तो चलो भाई निकल गया हूँ, सुना हूँ यहाँ ना मैंगो कम रेट में मिल जाएगा और कटा हुआ भी मिल जाएगा, तो वही निकल गया हूँ लेने के लिए। लो भाई गुदरी बाजार आ गया हूँ, आम 20 रुपये है, भैया काट के 25 रुपये लगाएंगे, उधर 30 रुपये था लेकिन वो काटने वाला सुविधा नहीं था उनके पास, पूरा भीड़ है इधर आगे तक, तो आम ना थोड़े बड़े बड़े साइज का देख लेता हूँ, अगर मिल जाए कहीं तो ठीक है, तो भाई साहब के पास में लेकर चला जाऊँगा मैं, भैया 20 रुपये ही बोले ना, 20 रुपये काट के 25 रुपये, चलिए आगे देख लेते हैं, और भाई पूरा इधर आम ही आम है, 30 भी है, 40 भी, 40 वाला काट के 45 पड़ेगा, 30 वाला काट के 35 पड़ेगा। लो भाई लगभग 5 किलो के आसपास में आम छाट रहा हूँ इधर, भैया फिर इसको काट के दे देंगे, ए भैया 25 रुपये दे रहे हैं काट के, मेरे को पड़ेगा 30 रुपये, कैसे भैया, भाई आम लिया था, आम कटना चालू हो गया, आधा आम कट गया है और आधा भैया आम काट रहे हैं, ये है लगभग 5 किलो के आसपास, भाई मैंगो लाके दे दिया हूँ 5 किलो, मम्मी को पसंद आया कि हाँ अचार के लिए एकदम परफेक्ट आम, अब कितना फ्री हो गया, अब एक स्टॉल देखा हूँ, नया स्टॉल कल देखा ना, मतलब घूम रहा था तो एक ठेला है भैया का, मतलब काफ़ी बेस्ट लगा मेरे को ठेला ना, चलिए मैं वहाँ पास का आप लोगों को सीन दिखाता हूँ, ठेला क्या पड़ा क्या रेट का, मतलब अगर वो खुला हुआ होगा और समझ में आए वीडियो वगैरह बनाने दे तो, या तो फिर थोड़ा बड़ा अंबिकापुर घूम के उसके बाद फिर निकल जाऊँगा,
भाई एक दिक्कत हो गया, मैं क्या सोचा ना कि कुछ वेज होगा तो मैं वीडियो वगैरह भी बना लूंगा, लेकिन ये स्टॉल में ना नॉन वेज है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग रायल मुरादाबादी चिकन बिरयानी, तो मैं यहाँ का तो वीडियो बना ही नहीं सकता भाई, लेकिन स्टॉल काफ़ी बेस्ट है। भैया बता रहे थे लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास का ये स्टॉल है। कहते का 1.5 लाख ना भैया, 1.5 लाख रुपये के आसपास का ये स्टॉल है, और भैया इस स्टॉल को यहीं बनाए, काफ़ी बेस्ट है भाई सिटी में ये स्टॉल। लेकिन भाई अब चिकन वगैरह तो मैं तो जा नहीं सकता, चलो कहीं और चलते हैं। अब भैया के पास आया था मैं फुल्की खाने के लिए, बहुत पुराना मतलब यहाँ मैं जब भी आता हूँ ना तो भैया के पास मैं फुल्की खाने जरूर आता हूँ। तो फाइनली जस्ट मैंने अभी पानी पूरी खाया, मतलब यहाँ का ना मेरे को पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ छोला वगैरह मैं निकालते हैं और अपने एरिया में ना सिर्फ आलू आलू ही डाल के खिला देते हैं। तो आप ना मेरे को सूरजपुर में कभी फुल्की खाते नहीं देखे होगे, बहुत कम, मिनिमम आप मुश्किल से 5% देखे होगे मेरे को फुल्की खाते हुए सूरजपुर में। लेकिन यहाँ मैं जब भी आता हूँ ना मीकापुर तो फुल्की दबा के खाता हूँ। वहाँ गाड़ी यहाँ खड़ा कर चलते हैं, इधर पूरा का पूरा बाइक वगैरह वाला है, विशाल मेगा मार्ट से आया हूँ और ज़्यादा नहीं, यहाँ से काट चड्डा वगैरह खरीदूँगा मैं। फिलहाल मैं गया हूँ चड्डा लेने, तो एक चड्डा ले रहा हूँ भाई यहाँ से। ओ भाई और कुछ कुछ देख ले रहा हूँ, कुछ समझ में आए तो 160 रुपये का है, इसमें से छाँट लिया है एक पीस मैंने, और एक आठ देखता हूँ कुछ समझ में आए तो। भाई मेरे को इस चड्डा के सिवा ना और भी बहुत सारी चीज़ लेनी है, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस पैटर्न में दूसरा मेरे को चड्डा चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है, मतलब मेरे सर्च का नहीं मिल रहा है। काफ़ी बेस्ट था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये पैटर्न ना सबसे बेस्ट लगा मेरे को, लेकिन ये मेरे साइज का है ही नहीं, दो है लेकिन दोनों में से कोई साइज का नहीं भाई, ये सब छोटे छोटे साइज के हैं, एक अलग से लोचा है इसका। तो गाइस एक टी शर्ट ये रहा, ये देखिए आप लोग काफ़ी बेस्ट लग रहा है भाई, बॉडी सोले वोले सब दिख रहे हैं इसमें, और ये टी शर्ट और नीले कलर का, इसको भी ट्रायल ले लेता हूँ मैं, काफ़ी बेस्ट लग रहा है भाई वैसे ये जोगर्स के साथ में, ये देख लो उधर से दिख रहा है काफ़ी कम्फर्टेबल भी है। गाइस ये लाल वाला भी काफ़ी बेस्ट लग रहा है, इसको भी रख लेता हूँ, काफ़ी कम्फर्टेबल है गर्मी के हिसाब से, ये भी बेस्ट है दुकान पर पहनने के लिए सबसे बेस्ट। एक तो इसको, एक तो ब्लैक वाले को, ब्लैक वाला बाहर में रखा हुआ है, मैं लेके नहीं आया यार, ब्लैक वाले को और एक चड्डा ले लेता हूँ, निकलते हैं अब। लो भाई जो लेना था ले लिया है विशाल मेगा मार्ट से, और ज़्यादा नहीं टी शर्ट वगैरह मेरे को लेना था, एक दो टी शर्ट वगैरह ले लिए। चलो गाड़ी निकालते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। पहली मैं घर जस्ट पहुँचा हूँ अभी, और टाइमिंग लगभग 7 के आसपास हो रहा है, और मम्मी रोज़ मम्मी का क्या कहना था, आम 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 और आम का अचार और आम आम आम, यहाँ मिल रहा था ढंग का, सिर्फ पीला पीला मिला, 2-3 दिन में चटनी खाने के लिए लाया तो वो भी पूरा लाल निकल गया था, और यहाँ रेड भी बहुत टाइट था भाई। पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं क्या पता है लूकोज पी रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा तगड़ा गर्मी है, पहले लूकोज पी लेता हूँ, उसके बाद फिर चल जाऊँगा मार्केट तक थोड़ा घूमने फिरने के लिए। और 2 टी शर्ट लाया है, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का, काफ़ी अच्छा लग रहा था भाई। अब फिलहाल मैं आ गया था मैं चौपाटी में भाई, कुछ खाया पिया नहीं है मैंने, ठीक है, बस चौपाटी में मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा मोड़ा भीड़ भाड़ दिखा दूँ। इधर मैं संजय मेरे को पास चना लेने के लिए लाइन लगे हूँ इधर भाई, सब लोग आइसक्रीम खाते खाते चना निकलवा लेता हूँ अपना। संजय भैया 10 का गर्म चना।